सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइन के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको 10 काफी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज भी दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे टेक न्यूज आए हैं, रियलमी 7 सीरीज लॉन्च हो चुकी है और भी दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक न्यूज मालूम चले हैं। तो आओ यार, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, मैं Realme 7 सीरीज के ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो आज सुबह बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, जाके क्लिक करके देखो और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट कर लो, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको पसंद आएगा। तो Realme 7 का दोस्तों अगर प्राइस के बारे में बात कर लें तो 6+64GB आपको 14,999 का देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया था, और यहाँ पर 8+128GB 16,999 का आपको दिखाई देगा। अगर दोस्तों हम लोग वही बात कर ले Realme 7 Pro के प्राइसिंग के बारे में तो 6+128GB आपको 19,999 का देखने को मिलेगा और 8+128GB 21,999 का दिखाई देगा आपको। यहाँ पर दोस्तों क्लियरली मालूम चलता है कि Realme 7 Pro दोस्तों बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। यहाँ पर दोस्तों आपको अगर बाई करना है तो Realme 7 जाके परचेस करिए, वो सबसे अच्छा आपको स्पेक्स और पैकेज प्रोवाइड कर दे रहा है। अगर दोस्तों आपको परचेस नहीं है तो Poco X2 दोस्तों परचेस कर लो, नहीं तो वेट कर लो, Poco X3 भी आ रहा है और भी दोस्तों Realme X3 सीरीज है, बहुत अच्छे से स्मार्टफोन सीरीज है। तो आप दोस्तों Realme का 7 Pro लेने क्यों जाओगे? और दोस्तों आपको बस सुपर एमोलेड स्क्रीन देते रहे, बाकी कोई चीज वहां अच्छा नहीं है, प्रोसेसर वही 720G है। तो अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो यहां पर दोस्तों आप कुछ अच्छे स्मार्टफोन में अपग्रेड करो, जहां पर दोस्तों सिर्फ स्क्रीन के चक्कर में नहीं बाकी सब स्पेक्स भी अच्छे होने चाहिए। Poco X2 में दोस्तों आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिल जा रहा है, भले ही दोस्तों IPS LCD स्क्रीन है, 730G है, वहां पर और अच्छे कैमरेस देखने को मिल जा रहे हैं, लिक्विड कूलिंग देखने को मिल जा रहा है। Realme X3 दोस्तों ले लो, वहां पर भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर स्पेक्स देखने को मिल जा रहा है, Poco X3 आ रहा है। तो यार यहाँ पर आप Realme का दोस्तों 7 Pro के चक्कर में मत पड़ना, यहाँ पर जाहिर सी बात है आपको 20,000 में दोस्तों आपको ठगा जा रहा है, ठीक है। तो यार अगर बात कर ले Realme 7 सीरीज के सेल्स के बारे में तो दोस्तों 14 September को Realme 7 Pro लॉन्च होगा फ्लिपकार्ट पे सुबह 12 बजे, उसका पहला सेल है, और 10 September को दोस्तों Realme 7 लॉन्च होगा सुबह 12 बजे फ्लिपकार्ट पे। तो यार तैयार है ना, अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन चाहिए तो आपको सेल डेट और टाइम बता दिया हूं, तो जाके परचेस कर लेना, आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा स्मार्टफोन परचेस करेंगे। तो यार अगर बात कर ले अगले टेक न्यूज के बारे में, अगला टेक न्यूज आ रहा पबजी और 118 एप्स जो बैन हो गए इंडिया में। यार कल रात का ये न्यूज सुन के दोस्तों मैं एकदम चौक सा गया, लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं, हमारी प्राइवेसी सिक्योरिटी की वजह से ही दोस्तों गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया हमारी भलाई के लिए ही। तो यार इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूं, आई बटन में क्लिक करके जाके देखो, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएंगे। तो यार अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा ओप्पो एक्को W51 TWS, ये दोस्तों लॉन्च हो चुके हैं, प्राइसिंग इसका 4,999 रुपए, ये ओप्पो F17 सीरीज के साथ लॉन्च हुआ है। तो यार ठीक ठाक प्राइसिंग है, अगर आप दोस्तों ओप्पो के बहुत बड़े फैन है तो जाके इसको परचेस कर सकते हैं। अभी दोस्तों इसका लॉन्च अभी मालूम नहीं चला कि पहला सेल कब आएगा यहाँ पर, इनफैक्ट दोस्तों अभी ओप्पो F17 का भी दोस्तों फर्स्ट सेल का डेट नहीं मालूम चला, सिर्फ दोस्तों ओप्पो F17 प्रो के बारे में मालूम चला, वो आगे मैं बताता हूँ टेक न्यूज में। तो यार अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा Poco X3 NFC की तरफ से, तो दोस्तों इसके ऑफिशियल स्पेक्स आ चुके हैं, कंपनी टीस कर रही है, 732G रहेगा यहाँ पर आपको, 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, 5160mAh का बैटरी और 64MP का आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा सोनी के सेंसर के साथ। ऑलरेडी दोस्तों डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, आई बटन पे क्लिक करके देखो, सारे स्पेक्स सारे प्राइसिंग सब कुछ मालूम चल जाएगा, मैं बहुत पहले बनाया था, मेरे स्पेक्स दोस्तों ज्यादातर सच हो जाते हैं जो बताता हूँ, तो दोस्तों जरूर से चेकआउट करिए। वैसे ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, यानी कि ज्यादा इंप्रूवमेंट किया नहीं गया है Poco X2 से, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सिमिलर है, ज्यादा यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे, बस प्राइसिंग इसकी सही हो जाए। 732G है तो यहाँ पर दोस्तों 730G का थोड़ा भाई है, थोड़ा सक्सेसर है वो, ज्यादा वहाँ पर स्लाइटली आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, जैसे 720G वर्सेस 730G वैसे ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा यहाँ पर कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप Realme 7 Pro लेने जा रहे हैं तो उसके लिए वेट जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर Poco X3 भी आ रहा है, तो आप इसको जरूर लेने के चक्कर में रहना, यहाँ पर Realme 7 Pro के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो चलो यार बात करते हैं अगले टेक न्यूज के बारे में, अगला टेक न्यूज आ रहा Oppo F17 सीरीज की तरफ से, तो दोस्तों ये भी कल लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों Oppo F17 Pro के स्पेक्स तो मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ, 6.43 इंचेस का आपको फुल HD+ वाला सुपर एमोलेड स्क्रीन दिखाई देगा, 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, Helio P95 का SoC है, 48+8+2+2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप, 16+2 MP का डुअल पंच होल डिस्प्ले, 30W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, 4000mAh की बैटरी। तो यार अगर हम लोग बात कर ले Oppo F17 के स्पेक्स के बारे में, तो 6.44 इंचेस का आपको फुल HD+ वाला IPS LCD स्क्रीन दिखाई देगा, कोई हाई रिफ्रेश रेट इसमें देखने को नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर 16+8+2+2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप रहेगा, 16 की सेल्फी, 4000mAh का वही बैटरी, 30W का चार्जर,
यहाँ पर दोस्तों अगर बात कर लें यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में, तो ओप्पो एफ 17 प्रो का ही प्राइस सामने आया है 22,990 रुपए 8+128GB वाले वेरिएंट का, और इसका फर्स्ट सेल रहेगा सितंबर के 7 तारीख को। अभी दोस्तों ओप्पो एफ 17 के प्राइस और सेल के बारे में कुछ मालूम नहीं चला है, जैसे दोस्तों कुछ और डिटेल्स आएंगे मैं आपको अगले टेक्निक में बता दूंगा। तो यार अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है वन प्लस के कोड नेम्स वाले स्मार्टफोन्स के बारे में। तो दोस्तों आजकल यार बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है, हर यूट्यूबर्स टेक न्यूज में ऐड कर रहे हैं कि वन प्लस का क्लोवर आएगा, बिल्ली आएगा, बिल्ली टी आएगा, लेमनेड आएगा। यार लेकिन देखो इसमें सच्चाई बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कुछ कुछ जो दोस्तों यहाँ पर कोड नेम्स होते हैं वो ऐसे ही टेस्टिंग के लिए घुमाते रहते हैं, लेकिन रियलिटी में दोस्तों इतने स्मार्टफोन्स कभी नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ कंपनी टेस्ट करती रहती है और कुछ इसका काम नहीं होता, और टेस्टिंग में कभी कभी निकल जाता है, ठीक है। तो यार यहाँ पर दोस्तों आपको बिली मिल जाएगा, बिली 2T मिल जाएगा, बिली 8 मिल जाएगा, बिली 8T मिल जाएगा, 11T मिल जाएगा, और ना जाने कितने कितने हैं दोस्तों। यहाँ पर बिली 8 और बिली 8T मेरे को लग रहा है दोस्तों वन प्लस के अपकमिंग 8T सीरीज का रेफरेंस होने दे रहे हैं। अब मेरे को मालूम है वन प्लस 8 का दोस्तों कोड नेम है केबाब, लेकिन दोस्तों हो सकता है 8 और 80 दोस्तों यही हो गया हो। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत कम चांसेस है कि दोस्तों आपको बहुत ज्यादा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, मुश्किल से एक या दो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रियलिटी में दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन की संख्या कम हो जाती है, बस दोस्तों टेस्टिंग करते रहते हैं, एंड टेस्टिंग में दोस्तों कभी कदार यहाँ पर कोड नेम्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो यार अगर बात कर लें अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 की तरफ से। तो दोस्तों ये लॉन्च हो चुका है, यहाँ पर दोस्तों आपको 20,500 का इसका स्टार्टिंग प्राइस दिखाई देगा, और दोस्तों यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 662 देखने को मिलेगा, 10.4 इंचेस का स्क्रीन है, तो ठीक ही ठाक टैब है। इंडिया में अगर दोस्तों इसके बारे में कुछ और अगर अपडेट आता है इंडिया लॉन्च से रिलेटेड, तो मैं आपको अगले टेक न्यूज़ में बता दूंगा। तो यार अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों LG की तरफ से। तो दोस्तों LG नए स्मार्टफोन्स को टीज कर रहा है, वहां पर दोस्तों टी शेप पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। हम लोगों को मालूम है दोस्तों ये LG का विंग है, ये सितंबर के 14 तारीख को लॉन्च होगा। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है ये, दो डिस्प्ले के साथ आता है, और दोस्तों ये एक तरह से एक नया स्मार्टफोन ही आप कह लीजिए, नए डिजाइन के साथ आता है। जैसे फोल्डेबल स्मार्टफोन का क्रेज है, वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन देखते हैं क्या धमाल मचाता है। कुछ और अगर इससे रिलेटेड अपडेट या स्पेक्स या रेंडर्स कुछ भी आते हैं तो दोस्तों मैं आपको अगले टेक्निक में बता दूंगा। तो यार अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी बुक फ्लैक्स 5G की तरफ से। तो दोस्तों ये भी लॉन्च हो चुका है, स्पेक्स बाहर आ चुके हैं। 13.3 इंचेस का आपको फुल HD वाला दोस्तों आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। इंटेल का 11th जनरेशन का टाइगर लेक आपको i5 और i7 CPUs देखने को मिलेंगे, दो मॉडल्स में है, यानी कि एक हाइयर रहेगा एक लोअर रहेगा। LPDDR4X वाली रैम रहेगी। अभी प्राइसिंग के बारे में मालूम नहीं चला, बस इतना मालूम है कि इसको अनवील किया गया था अनपैक्ड इवेंट पे। इनफैक्ट अनपैक्ड इवेंट का जो दोस्तों पार्ट 2 था उसमें दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी A42 भी दिखाई देगा, और दोस्तों यहाँ पर ये जो बताया सैमसंग गैलेक्सी फ्लैक्स 5G ये भी दोस्तों दिखाई दिया था, और टैब A7 भी दिखाई दिया था। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अनवील किया गया है, कुछ भी इनके रिकॉर्डिंग में अगर अपडेट आएगा तो मैं आपको अगले टेक न्यूज में बता दूंगा। तो यार अगर बात कर ले अगले टेक न्यूज के बारे में, अगला टेक न्यूज दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगला टेक न्यूज आ रहा है पबजी मोबाइल के बैन, और दोस्तों जो 118 ऐप्स बैन हुए थे ना उसका रिस्पांस दोस्तों चाइना दे रहा है। चाइना के जो दोस्तों कॉमर्स के जो मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, तो वहां पर दोस्तों उनका नाम है गाओ फैंग, वो कहते हैं कि यार ये जो काम भारत किया बहुत गलत काम किया, इसको जल्द से सुधारना चाहिए, जो जितने भी एप्स हैं जितने भी गेम्स बैन हुए हैं उसको वापस से अनबैन करना चाहिए, ये बहुत गलत काम भारत कर रहा है। तो दोस्तों ये वही कहावत हो गई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि दोस्तों चाइना में आप देखेंगे आपको हर जो ऐप जितने भी ऐप्स यहाँ पर पॉपुलर ऐप्स है, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे गूगल हो गया, चाहे दोस्तों इंस्टाग्राम ट्विटर, चाहे दोस्तों कुछ भी ले लीजिए व्हाट्सएप हो गया, यहाँ पर जो मेन ऐप्स है उसका अल्टरनेटिव वहाँ चलता है। वहाँ पर दोस्तों कोई भी दोस्तों जैसे कि यहाँ जो ऑल ओवर जो कंट्री है गूगल ये सब वहाँ पर वो सब नहीं चलते हैं, जैसे ट्विटर का वाइबो हो गया, व्हाट्सएप का वीचैट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों खुद अगर आप अल्टरनेटिव ऐप्स यूज करते हैं, अगर हम लोग बैन कर दिए तो आपको दिक्कत हो रहा है, ये तो यार गलत बात है। आपको भी दोस्तों वहां पर गूगल फेसबुक ये सबको यूज करवाना चाहिए, आप क्यों बैन करके रखे हैं। वही सेम चीज के लिए हम लोग भी बैन किए हैं यहाँ पर प्राइवेसी, यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी वाला पंगा, इसीलिए हम लोग चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिए। जैसे आप वहां पर फॉरेनर कंट्री के ऐप्स को बैन करके रखे हैं अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, वैसे ही दोस्तों हम लोग भी किए। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों अगर आप एक लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, तो ASUS ने दोस्तों कल बहुत ही कमाल धमाल कर दिया, बहुत सारे लैपटॉप्स को दोस्तों लॉन्च किया है, यानी कि अनवील किया है। ASUS ZenFone Flip S है, मैं दोस्तों सिर्फ नाम बोलूंगा, उसके आगे दोस्तों ASUS ZenFone लगा देना, ठीक है। फ्लिप 3 है, 14 अल्ट्रा लाइट है, फ्लिप S है, 14 है, फ्लिप 15 है, 13 है, फ्लिप दोस्तों 14 है,
बहुत सारे यहाँ पर लैपटॉप्स और वीवो बुक और जेनफोन बुक्स के बारे में मालूम चला है। अगर पूरा बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नीचे आर्टिकल का लिंक दे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके देखो। काफी अच्छे अच्छे लैपटॉप्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्पेक्स के साथ। और जो बंदे लैपटॉप या फिर दोस्तों पीसी या फिर कुछ और परचेस करने का सोच रहे हैं, तो यार थोड़े दिन रुक जाओ, बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप्स आ चुके हैं। थोड़ा जाके चेकआउट करो, बहुत अच्छे अच्छे आपको लैपटॉप्स ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एसर भी दोस्तों अपने बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप्स को अनवील कर चुका है, तो बहुत अच्छे अच्छे आजकल लैपटॉप्स आ रहे हैं। सोच रहा हूँ डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको अपडेटेड कर दूं। तो यार अगर बात कर ले अगले अपडेट के बारे में, अगला अपडेट आ रहा है Redmi स्मार्ट बैंड की तरफ से। तो दोस्तों याद रखना ये दूसरा बोनस अपडेट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग MI बैंड या फिर Xiaomi बैंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये Redmi स्मार्ट बैंड है, ठीक है। ये चाइना में 1100 रुपए का लॉन्च हुआ था, इंडिया में सितंबर 8 को दोस्तों लॉन्च होने वाला है। 1.08 इंचेस का आपको कलर डिस्प्ले दिखाई देगा और 70 स्क्रीन्स देखने को मिलेंगे, 70 वॉच फेसेस मिलेंगे आपको इसके अंदर। और यहाँ पर 14 डेज का बैटरी बैकअप दे देगा आपको जब एक बार आप चार्ज करेंगे मे बी। तो यार बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि दोस्तों आपको आज का टेक न्यूज अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज अच्छा लग गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो। चैनल पे अगर नहीं आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर शेयर करना। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर देखा करो और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो। मैं मिलता हूँ सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमें अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, चलिए बाय। Stop giving up.